हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। ये आप क्यूट सा कैप देख रहे हो, स्पाइरल हैट बच्चों का। ये किस तरह से बनाना है देखेंगे फ्रेंड्स। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मैंने टू पार्ट्स में बनाए हुए हैं, दोनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो दो पार्ट भी मैं ये दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये बच्चों का स्पाइरल हैट किस तरह से बनता है, बहुत ही क्यूट और बहुत ही आसान है बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट, ये स्पाइरल हैट किस तरह से बनता है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस कैप के लिए इस तरह का पीस बनाना होता है आपको। तो इससे कैप कैसे बनाना है आप देखेंगे। ये इसका मेजरमेंट किस तरह से फटाफट में बता दूंगी आपको। ये डायगोनल निटिंग रहता है, आपको फर्स्ट में मेजरमेंट किस तरह से लेना है। अगर बच्चे के लिए बना जाना चाहते हो, किसी के लिए भी, तो आप मेजरमेंट लेना है आपको कान से यहाँ पे, एग्जैक्ट कान से लेकर यहाँ पर आप कितना सेंटीमीटर होता है वहां। अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हो तो पूरा कान की बीच में से आप मेजरमेंट सिर तक इक्वलेंट आप कितना सेंटीमीटर होता है आप देख लीजिए। और यहाँ पे प्लस टू, प्लस वन एंड हाफ और प्लस वन एंड हाफ और टू सेंटीमीटर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉर्डर के लिए, टोटल आपको इतना आपको मेजरमेंट लेना रहता है। और यहाँ पे एक आप स्टॉकिनेट स्टिच, मतलब एक तरफ सीधी सिलाई और एक तरफ जो उल्टी सिलाई बनती है, इस तरह के स्टॉकिनेट स्टिच, यहाँ पे सीधी सिलाई पूरा, यहाँ पे उल्टी सिलाई, इस तरह का आप एक 10-15 स्टिच बना के एक सॉच बना लीजिए। और उसमें एक सेंटीमीटर में आपको कितने फंदे डलते हैं उसके हिसाब से आप, अगर एक सेंटीमीटर में आपको दो या तीन या चार इस तरह से आपको फंदे मिलेंगे, आपको जिस ऊन या जिस सिलाई से आप बनाना चाहते हो तो उसका एक स्वाच बनाइए। और एक सेंटीमीटर में कितने फंदे डलते हैं उतना सेंटीमीटर उतना मल्टीप्लिकेशन करके उतने फंदे आपको जो यहाँ पे सेंटीमीटर आया होता है उतने फंदे आपको डालने रहते हैं उसमें। इसमें कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट पर्टिकुलर फंदे या मेजरमेंट नहीं है, आप इस तरह से डालोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। सॉच करना नहीं भूलिएगा, एक 10-15 आप जिस सिलाई से आप जिस ऊन लेके आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा करके आप एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर बुन लीजिए और इसमें जितनी सिलाई बनते है उसका आप मेजरमेंट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 60 फंदे लिए हैं। ये अराउंड आपको 1 ईयर बेबी तक आपको हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से हम माप लेंगे और ये इस तरह से रोटेट होके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से लेंथ हम लेंगे। तो यहाँ पे ये डायगोनल ये जो शेप आपको दिख रहा है इस तरह से निटिंग होता जाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे ये फंदे वाला लाइन है, तो अब इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो ये जो लेंथ है यहाँ पर पड़ेगा। ये जो लेंथ आपको आई थिंक अंडरस्टैंड हो रहा है, ये जो कान से ऊपर सीधा वाला लेंथ है ये वाला लाइन होगा वो जो यहाँ पे मैंने निटिंग करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो ये यहाँ कान से लेकर सिर तक ये वाला माप है इस तरह से, ठीक है। और ये बुनाई करने के बाद इस तरह से ये किसे करना है मैं आगे बताती हूँ। और ये इस तरह से यहाँ पे ये घटता जाता है और यहाँ पे बढ़ता जाता है लास्ट में। तो इस तरह से करने से आपको ये डायगोनल इस तरह के शेप आ जाता है। तो हर बार एक इस सिलाई में याद रखिए कि हर सीधी सिलाई में आपको बढ़ाना है घटाना है, उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे आपको जिस तरह से उसका पैटर्न रहता है उसी तरह आपको बुनना होता है। मैं आगे आपको बता देती हूँ, आपको यही याद रखना है कि हर सीधी सिलाई में ही उसको बढ़ाना और घटाना है। यहाँ पे मैंने इसके लिए ओसवाल का 3-ply का ऊन लिया हुआ है, आप देख सकते हो 3-ply का ऊन। और ये 10 नंबर की सिलाई ली है मैंने। और यहाँ पे आपको मैं अभी सैंपल दिखा दूंगी ये किस तरह से करना है। कुछ फंदे मैंने डाला है,
यहाँ पे आप फंदे देख सकते हो, ये 12-15 फंदे मैंने डाले हुए हैं। मैंने बोला था कि एक तरफ घटता जाता है और एक तरफ बढ़ता जाता है, तो ये किस तरह देखेंगे, ये हर हम सीधी सिलाई पे हम करेंगे। ये जो फर्स्ट दो सिलाई है हम दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमेशा आप ये बात और एक चीज, यहाँ पे ये हमारा बेस है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे स्टॉकिनेट स्टिच डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉकिनेट स्टिच, यहाँ पे ये सीधा उल्टा वाला बनाया हुआ है और लास्ट में इसे एंड किया है डोम शेप में। तो ये देखेंगे हम, ये फर्स्ट हम यहाँ पे दो का एक करेंगे। फिर पूरे यहां तक हम लास्ट फंदे तक पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे। हम लास्ट फंदे में आ गए हैं। यहाँ पे हमें जो लास्ट स्टिच रहता है इसको हम एक का दो करेंगे, इस तरह से निट फ्रंट बैक मेथड से। इस तरह से डालिए, इस तरह से लीजिए। और फिर इसे भी पीछे में से डालिए, फिर उसी में से एक का दो कीजिए। यहां पे हमने दो का एक किया और यहां पे हमने एक का दो बनाया। तो यहां पे स्टार्टिंग में हमने यहां घटाते जाएंगे और यहां बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप बिगिनर हो तो ये आप कंटिन्यू करते टाइम आपको एक एक बार, एक एक लोगों को कंफ्यूजन होता है। सीधी तरफ ही हमें बढ़ाना रहता है, एक एक बार कंफ्यूजन होके दोनों तरफ बढ़ाने के चांसेस रहते हैं। तो मैं हमेशा ये सिक्योर करती हूँ एक पिन डाल के, एक रो फ्रंट रो होने के बाद मैं यहाँ पे एक पिन डाल देती हूँ, ताकि हमें मुझे याद ना रखना पड़े कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट जहां पे पिन हमारे साइड आएगा तो वहां पे मुझे दोनों तरफ बढ़ाना घटाना हो जाएगा। नेक्स्ट हम पलट लेंगे, उल्टी सिलाई हम पूरा उल्टी करेंगे, इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है, हमें घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। उल्टी सिलाई पे हम पूरा इस तरह से पूरी सिलाई हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टी सिलाई हमने पूरा कर ली है, फिर हम टर्न करेंगे, फिर आप पिन देखेगा हमारे साइड है तो ये सीधी तरफ है। हमें फिर यहाँ पे घटाना बढ़ाना है, यहाँ पर फर्स्ट हम दो का एक घटाएंगे, फिर पूरा एंड तक यहाँ तक निटिंग करेंगे। यहाँ तक हम सीधा बुन लिया है, यहाँ लास्ट पे लास्ट स्टिच पे आ गए, यहाँ पे हम एक का दो करेंगे। इस तरह से आप पे फ्रंट लूप में आप डालिए, फिर इस तरह से एक बुन लीजिए और फिर उसी नीडल को बैक लूप में डाल के फिर एक बार बुन लीजिए। ये एक का दो हो गया है, फिर हम टर्न करेंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरा उल्टा करेंगे। पूरा उल्टी सिलाई हम उल्टा करेंगे,
इसी तरह फिर सीधी सीधी तरफ आने के बाद फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर सीधा पूरा बुनेंगे, यहाँ पे लास्ट स्टिच में हम एक का दो करेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे मैंने कितना भी आप दो दो चार चार या पांच पांच कितना भी आप स्टिचेस डाल सकते हो, यहाँ में 10 सिलाइयों का ये ग्रुप बनाया, ये 10 10 10 का ये ग्रुप बनाया है। यहाँ पे अंदाजे में थोड़ा सा सिलने के बाद ये जो नेक्स्ट ये स्ट्रैंड है ये किस तरह से शुरू करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ अंदाजे से कुछ मैंने फंदे कुछ स्टिचेस मैंने डाल लिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरह से एंगल, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है घटाने वाला, ये बढ़ाने वाला एंगल, तो इस तरह से शेप आना शुरू हो गया है कुछ इस तरह से। 10 या 8 को कितना भी आप डालने के बाद आप ये नेक्स्ट जो स्टिच कैसे डालना है देखेंगे। यहाँ पे अब हम पर्ल टू टुगेदर करेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से दोनों का एक करेंगे, इस तरह से उल्टा सिलाई करके, ये हमारे सीधी तरफ है, देखिए सीधी तरफ है, निकालेंगे और सादी एंड तक हम पूरा सारे सिलाई उल्टी ही बुनेंगे अब लास्ट तक। इस तरह से लास्ट तक हम पूरा उल्टा बुनेंगे, लास्ट स्टिच तक हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया। यहाँ पे हमें दो करना है पर्ल स्टिच में, हम पर्ल को इंक्रीज करना है, तो हम इस तरह से फ्रंट लूप में स्टिच डालेंगे सुई, तो इस तरफ जैसे हम एक पर्ल स्टिच करेंगे और ये उतारेंगे नहीं, फिर हम बैक लूप में इस तरह से आप देखिए बैक लूप, जो ये बैक लूप आपको दिख रहा है, बैक लूप के नीचे से इस तरह से हम नीडल डालेंगे, फिर इस तरह से ये लेके एक का पर्ल स्टिच हमें दो हो गया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो ये पर्ल स्टिच पूरे आ गए, यहीं पे हमें पूरे इस तरह से डोम आने के लिए अब हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे हमें पूरा डोम आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ से पूरा सीधी सिलाई करेंगे इस तरह से लास्ट तक। ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो यहाँ पे पूरा हम निट स्टिच करेंगे एंड तक। निट स्टिच करने से हमें ये डोम शेप आना शुरू हो जाएगा, तो एंड तक मैं यहाँ पे निट स्टिच कर दूंगी। यहाँ एंड तक निट स्टिच कर लिया है, अब टर्न करेंगे, फिर हम आप देख सकते हो पिन है, तो यहाँ पे सीधी सिलाई पे है, सीधी सिलाई अगेन हम पर्ल टू टुगेदर करेंगे, स्टार्टिंग घटाना है हमें, दोनों का एक करेंगे पर्ल स्टिच उल्टी सिलाई और पूरा लास्ट तक हम इस तरह से लास्ट स्टिच तक यहाँ तक हम उल्टी बुनेंगे। यहाँ आप देख सकते हो लास्ट बट वन स्टिच तक हम पूरा उल्टी बुन लिया है यहाँ पे, और यहाँ पर्ल हम एक का दो करेंगे, एक पर्ल स्टिच फ्रंट लूप में, आप एक बार फिर दिखाती हूँ, ये दो फ्रंट लूप में हम डालेंगे, तो इस तरह से एक स्टिच निकाल दिया और फिर सुई को हम बैक लूप से इस तरह से डालेंगे, फिर इस तरह से लेके एक का दो पर्ल स्टिच हमने कर लिया है, फिर इसको टर्न कर लेंगे, फिर यहाँ पे पूरा हम निट स्टिच कर लेंगे क्योंकि हमें बाहर यहाँ पे उभार आना है, तो पूरा एंड तक हम ये निट स्टिच यहाँ तक पूरा कर लेंगे। इसी तरह हम कुछ ये आने के बाद फिर हम देखेंगे फिर ये किस तरह से करना है। कुछ फंदे ये डालने के बाद ये जो उभार जैसा है तो ये दिखने लगा, फिर हमें नेक्स्ट ये वाला स्टॉकिनेट स्टिच का ये पैटर्न शुरू करना है, फिर हम इसी की तरह स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सीधी तरफ है हम, आप देख सकते हो, तो हमें अगेन यहाँ पे दो का एक करेंगे स्टार्टिंग में, फिर पूरा निट करेंगे एंड तक लास्ट स्टिच तक। यहां से यहां तक हम सीधी बुनाई कर चुके हैं, लास्ट स्टिच पे हैं, फिर हम यहाँ पे एक का दो करेंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरा उल्टा करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये स्टॉकिनेट स्टिच है,
ये पूरा उल्टी सिलाई हम उल्टी करेंगे। हमने यहाँ पे उल्टी सिलाई पूरा कर लिया है, फिर टर्न करेंगे, फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर यहाँ सीधी सिलाई करेंगे, यहाँ पे एक के बढ़ा के दो करेंगे। तो इसी तरह हमें ये डायगोनल शेप पूरा करते जाना है, यहाँ तक आप अंदाजे से आपको किस तरह से ये रैप करके देखना है ये बताती हूँ। ये हमारा फंदे यहाँ पे डाला है मैंने, अराउंड 60 फंदे हैं। 60 फंदे के बाद ये स्टॉकिनेट स्टिच का ये 10 सिलाई है, और बाद में ये वाला डोम वाला 10 सिलाई, इसी तरह हम निट करके जाएंगे। आप पूरा जितना आप निट करते जाओगे, करने के बाद आप इस तरह से बच्चे के सिर के ऊपर आप रैप करके देखिए कितना तक आपको सफिशियंट होगा, उतना तक आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट हमने स्टॉकिनेट स्टिच से शुरू किया है, तो आप एंड करोगे डोम शेप से। अब हम देखेंगे इसको जोड़ेंगे किस तरह से। ये हमारा पैटर्न इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम जो ए वाला एंड है, ए वाला एंड हम इस तरह से रखेंगे, और ये दूसरा वाला ऊपर का एंड है, इस तरह से लेके आएंगे इस तरह से। लेने के बाद ये जो दोनों एंड है, यहां से लेके यहां तक हम ये जो टिप हमारे मिलते हैं यहाँ पे, तो हम यहां से इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, इस तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे मैंने पिंस डाले के रखे हैं और ताकि ये हिले ना, तो यहाँ पे हम सुई से हम जोड़ना शुरू करेंगे। ये जो है जिस दिखते जाएंगे आप इस तरह से जोड़ते जाइए, पूरा यहां से यहां तक हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम देखेंगे।